Friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. आज हम planets की दुनिया में थोड़ा सा आगे चलेंगे और आज हम चंद्रदेव की बात करेंगे, यानी कि मून। कल हमने सूर्यदेव के बारे में कुछ discussions की थी। आज हम आपको ये बताएंगे कि हमारी जो चार्ट है उसमें चंद्रदेव का क्या रोल है और चंद्रदेव हमें क्या ब्लेस करते हैं और किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मून जो है ये बहुत ही रॉयल प्लैनेट है और ये कहीं ना कहीं हमारी इमोशन से कनेक्टेड है, हमारी सेंटिमेंट से कनेक्टेड है और हमारी फीलिंग्स जो है, अच्छी फीलिंग्स है, उससे कनेक्टेड है। और मून जो है वो हमारी लव फीलिंग्स जो है, जो लव एंड अफेक्शन वाली फीलिंग्स है, उससे कनेक्टेड है, उसको सिग्निफाई करता है। और जैसा कि मैंने बोला कि जब मून हमारी फीलिंग से कनेक्टेड है तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो खुशी है, हमारी जो हैप्पीनेस है, वो हमारी फीलिंग से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी हैं तो दैट मीन्स हम खुश हैं, और अगर हमारी फीलिंग्स में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई पीड़ा है, कोई दुख है, तो हम दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मून हमारे माइंड से भी कनेक्टेड है, हमारे मन से भी कनेक्टेड है। तभी कहते हैं कि सूर्य जो है हमारी आत्मा से कनेक्टेड है और चंद्र हमारे मन से कनेक्टेड है। और चंद्र अगर हमारे मन से कनेक्टेड है तो कहीं ना कहीं हमारी जो साइकोलॉजिकल ग्रोथ है पूरी लाइफ की, उसका उस पे चंद्र का बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसा कि आपने सुना है कि चंद्र जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काटता है और चंद्र जब पृथ्वी के नजदीक होता है तो जो ओशन है उनकी टाइड्स में फर्क आ जाता है, क्योंकि चंद्र में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा है और उसका इंपैक्ट अगर हम ओशन को देखें, सी को देखें, तो चंद्रदेव का इंपैक्ट क्लियरली पता लगता है कि उनकी जो रोशनी है जो कि सूर्य से लेते हैं वो, उसमें कितना इंपैक्ट है। तो सिमिलरली जो चंद्र है वो हमारी फीलिंग्स को अप डाउन्स करता रहता है। जैसे चंद्र को जो है ना हम फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट की तरह जानते हैं, हालांकि चंद्र एक सैटेलाइट की तरह है लेकिन फिर भी इसको हम एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट कहते हैं। और इसका हमारी इमोशंस पे, हमारी सेंटीमेंट्स पे, हमारी फीलिंग्स पे, हमारे मन पे पूरा अधिकार है। और सिंस इट इज ए फास्ट मूविंग प्लैनेट एंड इट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, तो ये इंसान की मनोदशा पे पूरा इसका नियंत्रण है। आपने देखा ही है कि कभी हम बहुत अच्छे मूड में होते हैं, कभी हमारा मूड खराब होता है, कभी हम खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, कभी किसी दुनिया में चले जाते हैं, कभी किसी दुनिया में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्र से हम इमेजिनेशन भी देखते हैं। तो जो भी अच्छे राइटर्स होते हैं, अच्छे ऑथर्स होते हैं जिनका, या ऐसे लोग जिनका काम इमेजिनेशन से कनेक्टेड होता है, उनका मून बहुत अच्छा होता है चार्ट में। अच्छे राइटर्स जिनकी इमेजिनेशन पावरफुल होती है और राइटिंग में वो बहुत ही जो है नाम कमाते हैं, उनका मून कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है चार्ट में। और अगर मून किसी के चार्ट में एग्जॉल्टेड साइन में हो, अच्छे घर का स्वामी होके अच्छे घर में बैठा हो, तो हम ये कह सकते हैं कि वो इंसान
बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिएगा. ही विल एंजॉय द प्लेजर्स इन लाइफ और उसकी जो जिंदगी होगी फुल ऑफ जॉय होगी और प्रोस्पेरस होगी. और उसकी अगर पर्सनल नेचर को हम स्टडी करेंगे तो वो काफी सुलझा हुआ होगा. उसका डिसीजन लेने की जो उसमें कैपेबिलिटी होगी वो बहुत अच्छी होगी. स्टेबल माइंडेड होगा वो. उसकी इमोशंस जो है ना बहुत जल्दी हर्ट नहीं होगी. अगर कोई उसको कुछ कह भी देगा तो उसकी इमोशंस इतना हर्ट नहीं होगी. वो उन चीजों को समझेगा, सोचेगा, उसके बाद जाके वो फैसला लेगा. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मून अच्छा है तो हम मेंटली बड़े स्ट्रांग हैं, हम एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, खुशहाली की जिंदगी जीते हैं और हमारी फीलिंग्स अच्छी होती हैं किसी के प्रति, हमारा व्यवहार अच्छा होता है, स्टेबल माइंडेड होते हैं, हमारी साइकोलॉजी बड़ी अच्छी होती है. और अगर किसी के चार्ट में मून डिस्टर्ब होगा या किसी भी मैलिफिक प्लैनेट की मून पे दृष्टि होगी, मैलिफिक प्लैनेट्स कौन से हैं, राहु है, केतु है, सैटर्न है, मेजरली दीज आर द मैलिफिक प्लैनेट्स, और अगर इनकी दृष्टि मून पे आ जाए आपके चार्ट में या इस इन्हीं में से किसी प्लैनेट के साथ मून बैठ जाए तो मून में अफ्लिक्शन हो जाएगी. क्योंकि मून बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट प्लैनेट है, जैसे हमारे इमोशंस हैं. और अगर कोई भी मैलिफिक प्लैनेट उसके साथ बैठ जाए तो वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है, उनको वहां कंफर्ट नहीं मिलता. तो वैसे भी एस्ट्रोलॉजी में मून को क्वीन का दर्शन दिया गया है. मून इज ए क्वीन एंड सन इज ए किंग. तो मून को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि कोई भी मैलिफिक प्लैनेट उसके साथ बैठे और उसे डिस्टर्ब करे. मून बिल्कुल अपने कंफर्ट को छोड़ देता है. और अगर मून की दशा हमारे चार्ट में अच्छी नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. हमारा माइंड अनस्टेबल हो जाता है, हमारी फीलिंग्स खराब रहने लगती हैं, हमें छोटी छोटी बातें लोगों की बुरी लगने लगती हैं, हम लोगों में बुराइयां ढूंढने लगते हैं, हमारे मन में खुशी का वास नहीं रहता, हम कहीं ना कहीं या तो उदास हो जाते हैं और या मायूस रहने लगते हैं और हम सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं ले सकते, हम कंफ्यूज रहने लग जाते हैं. और केतु एक सेपरेटिव प्लैनेट है जो कि यूं कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ग्रहण का काम करता है चंद्र. तो अगर केतु की दृष्टि चंद्र पे पड़ जाए तो कहीं ना कहीं मन अफेक्ट हो जाता है. इसके साथ साथ जो मून के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसमें कई बार डिप्रेशन में हम चले जाते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज तक आ जाती है हमारे मन में. कभी कभी हमारा मन सुसाइड करने को करता है अगर हमारा मून बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब और एक से ज्यादा मैलिफिक प्लैनेट्स की उस पर नजर है या उसके साथ बैठे हुए हैं और उसको जकड़ा हुआ है, चंद्र को जकड़ा हुआ है. मून इज आवर माइंड. तो हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स इतनी भर जाती हैं कि बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं हमारे. और मून को अगर देखा जाए तो मून जो है ना सबसे अच्छे रिजल्ट्स नाइन्थ हाउस में देता है, जुपिटर की राशि में. और मून जिस घर में बैठ जाता है वहां से हम उस हाउस से रिलेटेड रिजल्ट हमें देता है. अगर मून अच्छा हो, एग्जॉल्टेड हो या अपने साइन में हो, मतलब चार नंबर राशि में हो, कैंसर राशि में या फिर टॉरस में मून का हो जाता है. अगर टॉरस राशि में मून 3 डिग्री तक हो जो कि एग्जॉल्टेड डिग्री है या एग्जॉल्टेड लेवल है मून का, अगर 3 डिग्री का मून टॉरस में आ जाए और नाइन्थ हाउस में आ जाए तो हमें प्रोस्पेरिटी, प्लेजर, बहुत ही अच्छी फीलिंग आएगी.
और हम जो है ना कहीं यूं कहना चाहिए कि हमारे हम एक रिलीजियस माइंडेड होंगे, हमारी स्पीच बहुत अच्छी हो जाएगी और हमारा माइंड बहुत क्लियर होगा, साइकोलॉजिकल ग्रोथ हमारी बहुत अच्छी होगी। और अगर मून सातवें घर में एग्जॉल्टेड साइन में या अपने साइन में आ जाए तो मैरिड लाइफ बड़ी ब्लेस्ड हो जाती है, बशर्ते उस किसी की नजर ना हो, किसी मैलिफिक प्लैनेट हो, हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, बड़े हमारी वाइफ जो है वो एक क्वीन की तरह हमें जो है यूं कहना चाहिए हमारे साथ रहती है, क्योंकि सेवंथ हाउस बिलोंग्स टू योर पार्टनर एंड पार्टनरशिप बिजनेस, हमारा बिजनेस भी अच्छा होता है। तो दोस्तों मून जो है डेबिलिटेटेड जो है आठ नंबर राशि में होता है, स्कॉर्पियो राशि में, मंगल की राशि में, और मंगल की राशि जो स्कॉर्पियो है वो बहुत ऑब्स्टेकल से भरी हुई राशि है, आठवां घर आपको पता ही है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत अनवांटेड इवेंट्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में डिस्टर्ब करती रहती हैं, और एक्सीडेंट्स भी हम वहीं से देखते हैं, सडन इवेंट्स भी हम वहीं से देखते हैं, सर्जरीज भी वहीं से देखते हैं, और एक डीपर नॉलेज भी हम वहीं से देखते हैं। तो अगर चंद्र आठ नंबर राशि में आ जाता है तो चंद्र कहीं ना कहीं उलझ जाता है, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आठ नंबर राशि में चंद्र आपको सारे ही गलत रिजल्ट्स देगा, आठ नंबर राशि हमारी डीपर नॉलेज की राशि है, अगर मून वहां पर चला जाए तो कहीं ना कहीं आदमी हर चीज की डेप्थ में जाता है। अगर वही आठ नंबर राशि में चंद्र पांचवें घर में आ जाए तो आदमी अपने ग्रेजुएशन में जिस भी सब्जेक्ट्स में एजुकेशन लेगा काफी डेप्थ में जाएगा उस सब्जेक्ट के। अगर आठ नंबर राशि में मून नाइन्थ हाउस में आ जाता है जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन एंड हायर एजुकेशन इवन पीएचडी का घर है, वहां पर मून की एजुकेशन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन यहां पर खुशी का जो एहसास है, जो हमारी फीलिंग्स हैं, हमारा मन है, वो खुश नहीं रहता, यहाँ पर वो प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि मून जो है वो बहुत ज्यादा अगर उलझ जाए, आठ नंबर राशि मैंने बताया ऑब्स्टेकल्स की राशि है, तो ऑब्स्टेकल्स की राशि में जाके मून नीच का माना जाता है और उसके ज्यादातर गलत रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन कई जगह हमने कई चार्ट्स पे अपनी पर्सनल स्टडीज में देखा है कि मून के एजुकेशन में अच्छे भी रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन दो नंबर राशि जो टॉरस राशि है, जो जिसको हम वेल्थ की और फैमिली की और स्पीच की राशि कहा जाता है, उसमें मून आ जाए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। अपनी राशि में चार नंबर राशि जो कैंसर की राशि है, उसमें आ जाए तो मून बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। कैंसर की राशि कहीं ना कहीं मदरली फीलिंग से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर हम मदरली न्यूरिशमेंट की तरह मून केयर करता है लोगों की। एंड सेवन नंबर राशि में जैसा मैंने बताया, वहां भी मून में एक मदरली क्वालिटीज आ जाती हैं वाइफ में, जो मदर में क्वालिटीज होते हैं कहीं ना कहीं वैसी क्वालिटीज आ जाती हैं मून में। अगर सेवन नंबर में चार नंबर राशि में बैठ जाए सेवन्थ हाउस में, तो इस तरह के रिजल्ट्स देता है, आई मीन रिजल्ट्स आर वेरी गुड। तो दोस्तों आपने देखा कि चंद्र जो है हमारी लाइफ में किस तरह के रिजल्ट्स देता है और किस तरीके से डिफरेंट हाउसेस में बैठ के किस तरीके से ये जो है ना आपको आपकी थिंकिंग प्रोसेस को और आपकी साइकोलॉजी को बनाएगा। अगर मून को हम 12 नंबर में अगर प्लेस हो जाता है तो हम लॉस्ट कहीं ना कहीं लॉस्ट रहते हैं, बिकॉज 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ लॉस, तो कहीं ना कहीं लॉस रहते हैं। अगर वीनस के साथ मून बैठ जाए तो कहीं ना कहीं वीनस की आर्ट, क्रिएटिविटी, लव, रोमांस, एंड मून से भी हम कुछ ना कुछ लव फीलिंग्स देखते हैं और इमोशंस देखते हैं। तो अगर ये दोनों प्लैनेट्स किसी अच्छे घर में आ जाए, फिफ्थ हाउस में आ जाए, जो कि लव एंड रोमांस का घर है दोनों प्लैनेट्स, तो आदमी की लाइफ में रोमांस काफी चलता है। और अगर मून इलेवंथ हाउस में आ जाए, इलेवंथ हाउस हमारे प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल का हाउस है, इलेवंथ हाउस में अगर मून आ जाए तो आपकी जो फ्रेंडशिप होगी, आपका नेटवर्क सर्कल जो होगा,
वो बहुत ही रॉयल होगा, बहुत ही अच्छा होगा, आपकी केयर करने वाला होगा, बशर्ते अफ्लिक्टेड मून नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं लगा हुआ। तो सिमिलरली अगर दसवें घर में मून आ जाए तो भी आपका सोशल स्टेटस एक क्वीन की तरह होगा, आपका सोशल स्टेटस अच्छा होगा, अच्छा पैसा होगा आपके पास, और आपको लोग, आप लोगों का ध्यान रखोगे, और जितने भी दुष्टाना हाउसेज हैं, यानी कि 6, 8, 12, यहां मून कभी कंफर्टेबल नहीं रहता। थर्ड हाउस में भी मून संघर्ष में आ जाता है, अच्छे रिजल्ट्स ज्यादा नहीं देता। और अगर फर्स्ट हाउस में मून आ जाए तो आदमी बड़ा सुंदर होता है, अगर लेडीज की कुंडली में आ जाए तो वो लेडी काफी सुंदर होगी, उसका राउंड फेस होगा, क्योंकि मून इज ए कार्क ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि सूर्य हमारे पिता को रिप्रेजेंट करता है, मून हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है वो आदमी में एक मदरली क्वालिटीज भी देता है, न्यूरिशमेंट की क्वालिटीज भी देता है। तो दोस्तों मून को अगर और हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो मून का जो कलर है वाइट है, इसका जो डे है मंडे है, अगर मंडे को वाइट कलर की शर्ट वगैरह लोग डालते हैं या कोई भी ट्राउजर डालते हैं तो वो शुभ माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में। और जो है मून का जो रतन है वो मोती है, पर्ल है, एंड मून की जो एग्जॉल्ट होता है टॉरस में वो 3 डिग्री में होता है, डेबिलिटेट भी 3 डिग्री में होता है। मून की अपनी राशि 4 नंबर है, कैंसर है, लेकिन मून की मूल त्रिकोण राशि 2 नंबर मानी जाती है, टॉरस राशि मानी जाती है। और मून हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। मून हमारी एक साइन में 27 दिन, लगभग 27 दिन रहता है एक राशि में, और जो पूरा हमारा 12 राशियां हैं उसका चक्कर मून 324 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेता है। तो दिस इज द ऑर्बिट साइकिल ऑफ द मून। तो दोस्तों आपने देखा कि मून हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, और मून की दशा हम किसी के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में देख के बता देते हैं कि इसकी साइकोलॉजी कैसी है, इसका मन कैसा है, इसकी फीलिंग्स कैसी है, इसकी फीलिंग बहुत अच्छी फीलिंग है, प्योर फीलिंग है, या कहीं डिस्ट्रेस्ड फीलिंग है, इसकी अंदर जो है पेन है या प्लेजर है, ये सारी चीजें हम मून की कंडीशन चार्ट में देख के इजीली बता देते हैं। तो आज हम अपने इस डिस्कशन को यहीं खत्म करेंगे, एंड एज यूजुअल यू नो आर टेलीफोन नंबर इज 9899105355, एंड